केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। देश दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर, विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच दोनों सदनों से पास हुआ बिल। लोकसभा के बाद सरकार ने अब राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया है। विपक्ष के हंगामे के बीच तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही राज्यसभा में पास करा लिया गया है। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। दोपहर करीब 2 बजे जब राज्यसभा की बैठक हुई तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले लोकसभा में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच विधेयक को पारित कर दिया गया। कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी, सीपीआई और सीपीएम के 12 राज्यसभा सांसद मौजूदा शीतकालीन सत्र से निलंबित। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र से विपक्षी दलों के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामारम करीम, कांग्रेस के फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता छेत्री, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम शामिल हैं। संसद में सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की नहीं है सरकार की कोई योजना। बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार का बिटकॉइन को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार बिटकॉइन को लेकर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का कोई भी डाटा नहीं रखती है। पूरे दिन भारी उठापटक रहने के बाद हरे निराश में बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार के लिए हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। पूरे दिन बाजार में जबरदस्त उठापटक देखने को मिला, लेकिन दोपहर बाद ऊपरी स्तरों से बाजार में मुनाफा वसूली लौटी और सेंसेक्स 153 अंकों की तेजी के साथ 57,260 और निफ्टी 27 अंकों की तेजी के साथ 17,053 पर जाकर बंद हुआ। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में कांग्रेस शासित राज्य फिसड्डी, भाजपा शासन वाले प्रदेश काफी आगे। कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माने जा रहे वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस या उसके गठबंधन वाले राज्य भाजपा शासित प्रदेशों से काफी पीछे चल रहे हैं। कोई भी कांग्रेस या उसके सहयोगी शासित राज्य 90% से अधिक लोगों की कोरोना की पहली खुराक और 50% से अधिक लोगों को दूसरी खुराक नहीं दे पाए हैं। अब खबर झारखंड से। 29 नवंबर 2021 को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त महोदय गोड्डा श्री भोर सिंह यादव द्वारा कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक आहूत कर दी गई। बैठक में महोदय के द्वारा कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा पूर्व में की गई बैठक की कार्यवाही को बिंदुवार समीक्षा की गई। उक्त बैठक में महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में कल्याण विभागीय योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, चिकित्सा अनुदान, अत्याचार राहत अनुदान, बिरसा आवास निर्माण, आदिवासी संस्कृति कला केंद्र निर्माण 2019-20, आदिवासी संस्कृति कला केंद्र निर्माण 2020-21, कियोस्क निर्माण 2019-20, शहीद ग्राम विकास योजना समेत कई योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कल्याण पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साहेबगंज में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 4 पंचायतों में आयोजित किया गया कैंप। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ देने एवं योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से पंचायतवार कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसी संबंध में आज संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में बोरियो प्रखंड के बिचपुरा पंचायत, बरहरवा प्रखंड के विनोदपुर, उधवा प्रखंड के मोहनपुरा पंचायत,
कालाझारी प्रखंड के करणपुरा पंचायत के पंचायत भवन में कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं वरीय पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया, जहां योजनाओं से संबंधित जानकारियों के लिए ग्रामीणों को बातें बताई गई। इसके लिए ग्रामीण वहां पर पहुंचे। ट्रेड फेयर में पलाश के 6 लाख और आदिवा ब्रांड के 9 लाख रुपए के बिके गहने, 15 लाख का मिला ऑर्डर। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राज्य की सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों की धूम रही, बिक्री की खूब तारीफ हो रही है। पलाश ब्रांड के जरिए सखी मंडल के उत्पादों की बिक्री के लिए सरस आजीविका मेले में रखा गया था। पलाश ब्रांड के सरसों तेल, अचार, हनी, मड़ुआ आटा, मसाले एवं साबुन की काफी डिमांड थी। वहीं पलाश के अचार भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थे। बांस, ओल और महुआ के अचार लोगों ने काफी पसंद किए। ट्रेड फेयर के दौरान करीब 6 लाख रुपए के पलाश के उत्पादों की बिक्री हुई। प्रधानमंत्री ने दिखाया बड़प्पन, बाबूलाल मरांडी। विवादित 3 कृषि कानून आज शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में वापस ले लिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधेयक को संसद में पास कराए जाने के तरीके पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा से डरती है, इसलिए बिना चर्चा किए ही कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। भाजपा नेता, विधायक दल, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि किसानों के हित में लंबी प्रतीक्षा के बाद 3 कृषि कानून बने थे। ये कानून स्वामीनाथन कमेटी के अनुशंसाओं के अनुरूप बने थे। संसद में बहुमत से पारित होकर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बने थे। उसके बावजूद ये खारिज होने पर प्रधानमंत्री ने बेहद बड़प्पन दिखाया है। लातेहार पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, बोले गांव से ही राज्य होगा मजबूत, हर दरवाजे तक पहुंच रही सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे गांव मजबूत होंगे तो ही राज्य मजबूत होगा। गांव को मजबूती प्रदान के लिए राज्य सरकार आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। कहा कि यह कार्यक्रम आगामी 29 दिसंबर तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। श्री सोरेन सोमवार को लातेहार जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के तरवाडी पंचायत के कोने गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो कहा जल्दी दबाओ।